हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीच में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेलिंग पंखे को सही तरीके से खोलने और सही तरीके से फिटिंग करने का तरीका बताऊंगा। इसको खोलते और कसते समय क्या क्या परेशानियां आती है, जैसे कि ये बॉडी का नट नहीं खुलना और ये बॉडी का ऊपर वाला प्लेट या नीचे वाला प्लेट ऊपर नीचे नहीं निकलना, या फिर किस टाइप का हमारा फैन है। जैसे हमारा फैन इस टाइप का है, ये नट बोल्ट वाला, या फिर हमारा फैन इस टाइप का है जो चूड़ी वाला थ्रेड वाली। और कभी कभी पंखे की वायरिंग सॉफ्ट में ही रह जाती है, या कभी कभी सीट में ही रह जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है खोलते समय स्टेटर की जितने पेपर होते हैं बाइंडिंग पेपर वो सब झड़ने लगते हैं। क्या सही है, कैसे खोलें और पंखे को फिटिंग करते वक्त कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम बहुत सारी खड़ी हो जाती है। जैसे इस पंखे को जाम हो जाता है, जैसे घूमता नहीं है फ्री, और ये जितने सारे कनेक्शन हैं यहाँ पे हम सोचने लगते हैं कि कौन सा कनेक्शन कैसे किया जाए। और ये जो दोनों प्लेट हैं आपस में चिपके नहीं रहते हैं, थोड़ा थोड़ा फैले रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। और सारी बातें बताऊंगा कि इसको कैसे खोला जाए, कैसे हैंडल किया जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखते रहिएगा, और मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लेकर आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सीलिंग फैन है, पुराने कंपनी के सीलिंग फैन है, और एक ये नई कंपनी के सीलिंग फैन है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि पंखा कैसे खोलते हैं, कैसे फिट करते हैं, इसका एक वीडियो दीजिए आप। तो मैं आज उन्हीं दोस्तों के लिए लाया हूँ जो नए काम सीख रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है इस सब विषय में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी सीलिंग फैन को खोलेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, जैसे छत में लगी हुई पंखों में इस टाइप का दिखेगा। तो कोई भी यहाँ से इस पिन को निकाल कर और ये नट खोलने के बाद से ये छत में ही रह जाती है और नीचे के पाइप निकल जाती है, तो ये हमारी पंखा नीचे आ जाएगी। तो सबसे पहले इस कैप को खोल ढीली करेंगे थोड़ी सी, ये जो कैप लगी हुई है धूल बचाने के लिए कैप लगी रहती है दोस्तों। तो इसको खोल के और इसको ऊपर करेंगे, और ऊपर करके ऐसे इसको फिर टाइट कर देंगे कि वापस नीचे न गिरे। इसके बाद से हमको यहाँ पे कुछ कनेक्शन दिखेंगी, जैसे एक कैपेसिटर, और इसके बाइंडिंग के अंदर से तीन या चार वायर बाहर आई हुई नजर आएगी, और ये दो वायर जो मेन लीड है वो नीचे से इस पाइप के अंदर से आई हुई नजर आएगी। तो दोस्तों सभी पंखों में ऐसा होता है, नए मॉडल के पंखों में भी इस तरह का होगा, और ये पुराने मॉडल का भी पंखे में इस तरह होगा। इस पुराने मॉडल पंखे में दोस्तों थ्रेड है, इसमें चूड़ी है, और इसमें चूड़ी नहीं है नए मॉडल में, इसमें नट बोल्ट से इसको पाइप से लटका दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको कनेक्शन देखना चाहिए, ताकि फिट करते समय कनेक्शन करते समय कोई दिक्कत न हो। तो हम कनेक्शन को याद कर लेंगे, या अपने कागज कलम से डायग्राम बना लेंगे कलर वाइज, या मोबाइल से फोटो भी इसका खींच सकते हैं आप। जिस टाइप का कनेक्शन हुई रहेगी उस टाइप का कनेक्शन हम फिट करने के बाद से कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इस कनेक्शन को हम छुड़ाते हैं यहाँ से। कनेक्शन हटाकर इसका कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे। कैपेसिटर को पकड़ के रखने के लिए ये दो रबड़ लगे रहते हैं जो कैपेसिटर को कैप्चर की हुई रहती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से चार लीड निकली हुई है, तो इसका हमको ध्यान देना है। अब आती है बारी इस फैन को खोलने का। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि फैन को खोलते समय हमको पता नहीं चलता है कि कौन सी नट बॉडी की है और कौन सी नट ब्लेड की है। तो इसमें जहाँ दो नट एक पास लगी हुई रहती है, जैसे इसमें लगी हुई है, वो ब्लेड की नट होती है दोस्तों। इस पंखे में भी ऐसा ही मिलेगा, और इस पंखे में भी ऐसा ही मिलेगा। और तीन नट दूरी दूरी पर रहेगी, वो बॉडी की नट होती है। तो ब्लेड की नट से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को खोलते समय, सिर्फ बॉडी की नट से मतलब है। तो सबसे पहले बॉडी की नट खोला जाएगा। तो कोई कोई पंखों में बॉडी के नट बहुत ही टाइट रहते हैं दोस्तों, कोई कोई में ढीली रहती है। जो नट थोड़ा सा ढीली रहेगी वो स्क्रू ड्राइवर से खुल जाती है, और जो नट हार्ड रहेगी वो स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलती है। तो आइए पहले सबसे पहले ट्राई करते हैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने के लिए। देखिए पूरी ताकत के साथ इसे खोला जाएगा। स्क्रू ड्राइवर मिस कर रहा है, यहाँ पे नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों इसके लिए एक और तरीका है, अगर स्क्रू ड्राइवर मिस कर रहा है तो आप अपना प्लायर लीजिए, कोई भी प्लायर हो जो आपके पास हो, इस प्लायर से इसको पकड़िए नट को, और थोड़ी सी टाइट पकड़ के इसको घुमाइए। देखिए दोस्तों ये घूम गई, और थोड़ी सी घूम जाने के बाद स्क्रू ड्राइवर से ये आसानी से खुल जाएगी। ऐसे देखिए खुल गई। फिर दूसरी नट की बारी आएगी। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि स्क्रू ड्राइवर से भी नहीं खुलता है और प्लायर से भी नहीं खुलता है, तो इसका भी उपाय है। इसके लिए एक कोई भी ख़राब स्क्रू ड्राइवर लीजिए, अच्छा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग ऐसे में नहीं करना चाहिए, और इसको थोड़ी सी यहाँ पर रख के इसको हीट करना चाहिए। अगर प्लायर से नहीं खुल रहा है तो नहीं, तो स्क्रू ड्राइवर और प्लायर से खुल जा रहा है तो कोई बात ही नहीं है। इसको यहाँ से आप ऐसे थोड़ी सी हीट करेंगे तो थोड़ा सा ज़रूर घूम जाए, कितना भी टाइट रहेगी थोड़ा सा घूमेगी, फिर इसको स्क्रू ड्राइवर से आप खोल सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। इस तरीके से आप इस नट को भी खोल सकते हैं। अब दोस्तों बॉडी का नट खुलने के बाद से आपको एक मार्क लगा लेना है, कहीं भी
इस टाइप का मार्कर से लगाइए या इसे स्क्रू ड्राइवर से ही लगा सकते हैं आप, ताकि फिट करते समय उसी तरह फिट हो जाए आसानी के साथ, इसलिए मार्क लगाया जाता है। तो अब दोस्तों ये तीनों बॉडी का नट खुल गया, अब इसको प्लेट को निकालना है। अब इस प्लेट के दोनों साइड एक समान एक बराबर पेचकस लगाएंगे स्क्रू ड्राइवर, और ऐसे स्क्रू ड्राइवर को ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेंगे। देखिए दोस्तों ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जब आ जाएगा तो इसके हैंडल को पकड़ के हम इसको ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों स्टेटर दिखाई देने लगी और इसके साथ बैरिंग भी आ गई है। अब इसको ग्रीस करना बिल्कुल आसान हो गया है और बैरिंग टाइट है, बैरिंग शाफ्ट में टाइट है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और सीट में भी टाइट होना चाहिए, यहाँ भी टाइट होना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, बैरिंग आपके शाफ्ट में आ जाती है या प्लेट में रह जाती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, इसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी रहेगी तो इसको ग्रीसिंग किया जा सकता है और वहाँ भी रहेगी तो ग्रीसिंग किया जा सकता है। अब इसे स्टेटर को बाहर निकालना है दूसरी बैरिंग के लिए, कि वो भी बैरिंग दिखाई देने लगे। तो दोस्तों इसमें थ्रेड है और थ्रेड से पहले ये बोल्ट दिख रही है आपको, ये बोल्ट को पहले सबसे पहले खोलना ज़रूरी होता है। ये बोल्ट चेक नट की काम करती है, ताकि पंखा नीचे न गिर जाए थ्रेड से खुल के। ये नट बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इस स्टेटर को पकड़ के इसको ऐसे घुमाएंगे, ये थ्रेड पर है, चूड़ी पर है, इसको घुमाने से ये खुलेगी। देखिए ये घूम रही है, इस हैंडल को पकड़ के घुमाएंगे, ये थोड़ी सी खुलेगी, पूरा नहीं खोलना है इसको। और थोड़ी सी खुलने के बाद से इसको ऐसे पकड़ के और किसी लकड़ी पे इसको हिट करेंगे ऊपर से, ताकि ये प्लेट नीचे की तरफ जाए। तो दोस्तों ज़मीन पे पटकने के बाद से ये प्लेट नीचे की तरफ चली गई है, ये देखिए हिलने लगी। फिर इसको खोलना शुरू करेंगे ऐसे, अब इसको पूरी तरह से खोल देंगे। देखिए यहाँ थ्रेड बनी हुई है, ये बिल्कुल खुल गई। अब इसको आराम से निकालेंगे, इसको अलग रख देंगे। ये देखिए यहाँ का भी बैरिंग दिखने लगी और यहाँ का भी बैरिंग शाफ्ट में आ गई है, तो ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सीट में भी बैरिंग को टाइट होनी चाहिए, टाइट तो पहले से थी ही, इसीलिए इसको पटक कर खोलना पड़ा था। तो दोस्तों इस तरीके से आप पंखे को खोल कर इसमें आप ग्रीस वगैरह कर लेंगे। और आप ग्रीस करने का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इस पंखे में इससे भी आसान तरीका है ये, इसको भी खोलने से पहले ये तीन स्क्रू इसको खोल लेंगे, जैसे इसको खोले थे इसको निकाल देंगे, निचली प्लेट निकल जाएगी। अगर ऊपर वाली प्लेट फंसती है तो इसको भी ऐसे उल्टा करके ऐसे ज़मीन पर ठोक के ये प्लेट को निकाल कर फिर ऐसे ही ये भी खुल जाएगा। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ये बैरिंग से ये प्लेट निकल नहीं रही थी, इसके लिए हमको ज़मीन पर पटकना पड़ा था। इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी पटकने से पेपर झड़ने लगता है, क्योंकि चलते चलते पंखा हीट हो गया रहता है, क्योंकि इसको समय से ग्रीसिंग और बार्निशिंग न करने की वजह से भी पंखा हीट होता है, इसीलिए पेपर झड़ते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए दोस्तों, कि कभी ज़्यादा तेज़ नहीं पटकना चाहिए, ज़्यादा तेज़ पटकने से पेपर झड़ना शुरू हो जाता है। तो पेपर झड़ने का तो इलाज कोई नहीं है, अगर इसको कस के पटकेंगे तो पेपर जरूर झड़ेगा, और धीरे से इसको खोलेंगे धीरे से पटकेंगे तो पेपर नहीं झड़ेगा। अब दोस्तों ये निचली प्लेट में ये जो गोल राउंड का आप देख रहे हैं ये तो ये रोटर बोला जाता है इसको, जिसका रिंग भी कहते हैं जिसे। तो ये दोस्तों ये रोटर यही स्पीड बढ़ाती है पंखे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये निकलता भी है बाहर। तो इस जो और मान लीजिए आपको किसी कारणवश ये बाहर निकल भी गया, तो निकालने से पहले इसमें मार्क जरूर लगाना चाहिए कि ऊपर वाला हिस्सा कौन है और नीचे वाला हिस्सा कौन है। तो ऊपर वाला हिस्सा में कोई भी मार्क अपने हिसाब से आप लगा लीजिए, प्लस का मार्क लगा सकते हैं दोनों साइड कि ये ऊपर की हिस्सा है। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये कुछ टाइट रहता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये रोटर निकल गई, इसके साथ ही निकल जाती है कभी कभी, कभी कभी निचली प्लेट में ही रह जाती है। तो ये जहाँ भी रहे जैसे भी निकले इस पर मार्क जरूर लगाना चाहिए कि ऊपर वाला हिस्सा ये है। और दोस्तों ये जो बैरिंग शाफ्ट में लगी हुई है ये कभी कभी होता है कि यहाँ रह जाती है, इसमें लगी रह जाती है, तो इसको भी निकाल कर ग्रीसिंग करना पड़ता है। तो ये वायरिंग कैसे निकलता है इसका भी मैं वीडियो दे चुका हूँ, आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं। अगर इसका वायरिंग इसमें रह जाएगी तो इस रोटर को बाहर निकालना ही पड़ता है, और फिर उसके बाद से इस वायरिंग को निकालना पड़ता है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि ये वायरिंग जो यहाँ शाफ्ट में दिख रही है इसके प्लेट में रह जाती है यहाँ पे, तो इसको निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए ये ऊपर वाले जो वायरिंग प्लेट का कवर है ऊपर, ये
इस तीन स्क्रू को खोलकर इसको ऊपर से हीट कर देने पर ये बेयरिंग नीचे की तरफ निकल जाती है। और दोस्तों, अगर ये पंखा आपकी जली हुई हो तो इसको बाइंडिंग करने का तरीका आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाकर इसका इस पंखे का बाइंडिंग भी देख सकते हैं। ये सब परेशानियां और ये सब ध्यान खोलने से पहले और खोलते वक्त दिया जाता है। अब बारी आती है दोस्तों बनाने के बाद से इसको फिट करने की। तो सबसे पहले फिट करने के लिए ये रिंग जहाँ से हम निकाले हैं उस जगह पर रख देते हैं। इसको कभी भी उल्टा नहीं रखना है, इसको सीधा ही रखना है, जहाँ मार्क लगा है उसको ऊपर रखना है। फिर इसको दबा देना है, बिल्कुल रिंग अपने जगह पे बैठ जाए इतना दबाइए इसको। और किसी लकड़ी के सहारे से भी इसको हीट भी करके दबाया जा सकता है, लकड़ी से, लोहे से नहीं। ये अपने जगह पे चली गई। अब इसको जैसे खोले हैं दोस्तों, इस प्लेट से इसको जिस प्रकार से निकाले हैं सेम उसी प्रकार से इसको फिट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले प्लेट में ये बेयरिंग सीट में इसको फिट करेंगे। ऊपर के प्लेट में इसको फिट करने से पहले दोस्तों इसको बिल्कुल यहाँ पे हिट करके बेयरिंग को अपने जगह पे बैठा लेना चाहिए। तो आप इसको लकड़ी द्वारा यहाँ पे हिट कर सकते हैं, किसी भी लकड़ी से, मोटी लकड़ी से। तो दोस्तों इस स्टेटर को इस प्लेट में अच्छी तरह से बैठा लेंगे और हमको ये देखना है कि इस पर स्टेटर बैठी है कि नहीं, ये बेयरिंग अपने जगह पर बैठी है कि नहीं। तो इसके लिए ये तीनों नट, बेयरिंग प्लेट वाली नट को खोलकर हम चेक कर सकते हैं इस प्लेट के सेम साइज पे है कि नहीं। तो आइए एक बार इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको खोलने के बाद से ये बिल्कुल बेयरिंग और बेयरिंग प्लेट ये दोनों सेम साइज पे है। इसका मतलब हमारा बेयरिंग और स्टेटर दोनों अच्छी जगह पे बैठ गया है और बिल्कुल टाइट बैठा है। ये टाइट ही होना चाहिए, लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिंग के साथ रगड़ के चलने लगेगी, जाम हो जाएगी, सेटिंग में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इसको बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अब दोस्तों इस पंखे को इसके थ्रेड में टाइट करेंगे, अगर थ्रेड वाली है तो। अगर थ्रेड वाली नहीं है, इस टाइप का पंखा है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे बैठा देंगे। और लेकिन ये पंखा थ्रेड वाली है तो अब इसको थ्रेड में सेट करते हैं। थ्रेड में लगाने के बाद से इसको ऐसे घुमाएंगे, पूरी तरह से टाइट हो जाने के बाद से इसको फुल टाइट करेंगे और उसके बाद से ये वाले जो नट यहाँ से खोले हुए थे इसको लगा देंगे। ये लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है दोस्तों। अब इसके बाद से इस प्लेट में इसको लगाएंगे। बहुत ही आराम से लगाना है ताकि कॉयल के ऊपर रगड़ ना आ जाए। और इसका होल में होल मिलाना है दोस्तों, ये बॉडी होल जो निचली प्लेट में लगी हुई है और ऊपर वाली प्लेट में लगी हुई है। अब दोस्तों इस तीनों नट को इसके जगह पे लगा देंगे। फुल टाइट नहीं करना है, केवल इसको इसमें फंसा देना है। और लगाने के बाद दोस्तों इस पर थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये प्लेट अपनी जगह पे जाकर बढ़िया से बैठ जाए। देखिए ऊपर से प्रेस करेंगे और फिर इसको फुल टाइट करेंगे। तीनों नट को फुल टाइट करने के बाद दोस्तों हम इसको घुमाकर देखेंगे हमारे पंखा फ्री हुई है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये पंखा फ्री नहीं हुई है, थोड़ा सा जाम हो रही है कहीं जाकर। अब इसको ये करना है कि इस पंखे को ऐसे पलट देंगे और इसके ठीक निचली बेयरिंग के सामने थोड़ी सी हीट करेंगे। हीट करने के बाद से फिर इसको तीनों नट को टाइट करेंगे, फिर इसको उठाकर ऐसे घुमाएंगे। तो दोस्तों देखिए पंखा बिल्कुल फ्री हो गई। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि पंखा फिट करने के बाद से टाइट होती है, घूमती नहीं है, तो उस पोजीशन में ये तीन बॉडी नट है उसको बारी बारी से थोड़ी थोड़ी ढीली करेंगे। पहले एक को ढीली करेंगे, थोड़ी सी ढीली करेंगे, उसके बाद से फिर इसको घुमाएंगे। अगर ढीली करने के बाद से ये फिर भी टाइट घूम रही है तो फिर इसको वापस टाइट करेंगे और फिर दूसरी वाली नट को ढीली करेंगे और फिर इसको घुमाएंगे। और दूसरी वाली नट को ढीली करने से भी ये नहीं घूम रही है तो बारी बारी से तीनों नट को ढीला करेंगे। किसी एक नट को ढीला करने से पंखा बिल्कुल फ्री घूमने लगेगी। तो मान लीजिए इस नट को ढीला करने से पंखा बिल्कुल फ्री घूमी है तो इसको ढीला करेंगे तो यहाँ पर गैप आ जाएगी। तो इस गैप में इतना ही बड़ा छोटी सी कोई नट इसमें डालकर और इसको फिर से टाइट कर देंगे।
रेयर केस में होता है, अधिकांश पंखे ऐसे ही जिस तरीके से मैं फिट किया हूँ उस तरीके से फिट करने से फिट हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई पंखा परेशान करता है, उसके लिए ये व्यवस्था करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तो ये फ़िलहाल में बहुत बढ़िया से फ्री घूम रहा है, तो इस तरीके से आप अपने पंखे को खोल सकते हैं और बढ़िया से फिटिंग कर सकते हैं, और फिटिंग करने के बाद से इसका कनेक्शन सेम उसी तरह जैसा खोले थे उसी तरह सेम इसका कनेक्शन कर देना है। और अगर आपको कनेक्शन का वीडियो देखना है दोस्तों, तो ऊपर आई बटन दबाकर इसका विधिवत कनेक्शन का वीडियो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से इसका कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी कि ये खराब पंखे को या जंक लगे हुए पंखे को कैसे खोलें और कैसे फिट करें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये काम आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।